नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जयमदी बलियापुर। आज इस वीडियो में देखते हैं पारसनाथ की पहाड़ी, तो बने रहे इस वीडियो में। हम आ पहुंचे हैं पारसनाथ पहाड़ की तलहटी, जहां से शुरू होती है। जैन धर्म के मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, पारसनाथ जैन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के केंद्र में से एक है। जैन धर्म के लोग इसे सम्मेद शिखर भी कहते हैं। पारसनाथ में देखा जाए तो मंदिरों की कोई कमी नहीं है, जिधर देखो उधर मंदिर पाए जाते हैं। मंदिरों को देखने के लिए बहुत दूर दराज से लोग आते रहते हैं। यहाँ देखा जाए तो विभिन्न आकार के मंदिर देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि 23वें तीर्थंकरों के नाम पर पहाड़ी का नाम पारसनाथ रखा गया है। 20 जैन तीर्थकरों ने इस पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया था। आप देख रहे हैं कि मंदिर में कितनी सुंदर सुंदर संगमरमर की मूर्ति बनाई गई है, जिसे देखने के लिए लोग आते रहते हैं। पारसनाथ की पहाड़ी की तलहटी से लेकर चोटी तक जैन मंदिरों की भरमार है। पारसनाथ पहाड़ी की तलहटी से लेकर चोटी तक बड़ी संख्या में जैन मंदिर की श्रृंखला आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ एक छोटा मोटा जैनियों का शहर बसा हुआ है, जिसे लोग मधुबन के नाम से भी जाने जाते हैं। कहा जाता है यहाँ जैन धर्मावलंबी जीवन में एक बार जरूर आना चाहता है, उनके लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। कहते हैं कि इसी पहाड़ी पर जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थकारों ने निवारण प्राप्त किया था। जैन धर्म के अनुयायी इस पहाड़ी के शिखर को मानते हैं। यहाँ पहाड़ी पर 20 तीर्थकरों के चरण चिन्ह अंकित है, उनमें से प्रत्येक के लिए पहाड़ी पर एक मंदिर है।
जैन धर्म के दोनों पंथों श्वेतांबर और दिगंबर के मंदिर बने हुए हैं। ऐसे में इसकी महत्व ज्यादा बढ़ जाती है। जैन धर्म के अनुयायी इस पहाड़ी के शिखर को मानते हैं। दोस्तों कहते हैं कि इस पहाड़ी पर 2000 साल से भी ज्यादा पुराने कई मंदिरें हैं। हालांकि यह जगह प्राचीन काल से बनी हुई है। मंदिरों की हालिया उत्पत्ति हो सकती है। दुनिया भर के जैन धर्मावलंबी इस पहाड़ के दर्शन करने के साथ इस पहाड़ी की परिक्रमा करने भी आते। पारसनाथ पहाड़ झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, जिसकी उच्चतम चोटी 1350 मीटर है। गिरिडीह में स्थित पारसनाथ पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई लगभग 4440 फीट है। यहां दामोदर और गर्मा नदी भी समीप है। ऐसे में इस पहाड़ी की प्राकृतिक छटा बहुत ही मनोहारी है, जो आपको मन को मोह लेगी।
और खास बात ये भी है दोस्तों, कहा जाता है संथाल आदिवासी भी इसे देवता की पहाड़ी कहते हैं। संथाल आदिवासी इस पहाड़ी पर अपने आराध्य देव जैसे मरांग गुरु का निवास मानते हैं। ऐसे में वो इस पहाड़ी को देवता की पहाड़ी भी कहते हैं। यहाँ संथाल आदिवासी की आस्था का भी सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ संथाली आदिवासी वैशाख पूर्णिमा में एक दिन का शिकार त्योहार मनाते हैं। अगर आपको पहाड़ी की प्राकृतिक खूबसूरती और हरियाली के बीच अगर आप मंदिरों में दर्शन करने जाना चाहते हैं, तो आपको 1000 से ज्यादा सुनिया चढ़ने होगी। तलहटी से शिखर तक यहाँ लगभग 10 किलोमीटर की यात्रा पैदल करनी होती है। मैं तो कहूंगा प्राकृतिक खूबसूरती से घिरे इस मंदिर में स्थित पार्श्वनाथ की प्रतिमा के दर्शन करने अवश्य आएं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।